फर्स्ट ट्रायल आपको कैसा लगा यार? ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन, और अब हम इसका ट्रायल लेने निकल पड़े हैं रामपुर की तरफ, और देखते हैं बीच में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और एक्सप्लोर करेंगे हाटू पीक। गाइस, हम पहले रामपुर आए थे और रामपुर से हम वापसी में हम शिमला की तरफ जा रहे हैं, और हम अब जाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे हाटू पीक। शिमला से हाटू पीक ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, बस आपको नारकंडा आना है, और नारकंडा से थोड़ा ही 10 या 12 किलोमीटर आपको अंदर की तरफ जाना पड़ता है, और रोड थोड़ा नैरो है इसलिए आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, बाकी तो थ्रिल पूरा है, एडवेंचर पूरा। सो ये बस हमें ले जाएगी हाटू पीक की तरफ। नारकंडा पहुँचते ही हमने अंदर के लिए एक रास्ता ले लिया हुआ है जो जाता है एक छोटी सी लेक की तरफ और एक हाटू पीक की तरफ, और लेक को भी एक्सप्लोर करेंगे। पहले हमें हाटू पीक के लिए राइट के लिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेते हैं हम राइट और जाएंगे हाटू पीक की तरफ, और यहाँ पे हमारे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नारियाँ दिखाई देती हैं, जिसके साथ हम ऊपर की तरफ निकलते हुए और यहाँ हमें रोड दिखता है, बहुत ही छोटा सा रोड है ये, और बहुत ही जिसको बोलते हैं बहुत नैरो रोड है, और यहाँ हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ पेड़ों को एक्सप्लोर करते हुए, और इन काले पेड़ों की और सफ़ेद कलर के पेड़ों को यहीं छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यही सिंगल रोड, सिंगल से आधे कुछ थोड़े कम और थोड़े ज़्यादा और कम आधे रोड पे हम आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, और जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं। ट्रैफिक का हम थोड़ा वीडियो कम ही बनाते हैं क्योंकि ट्रैफिक का वीडियो, ये देखिए सिंगल रोड, और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो थोड़ा फ्लेक्स करने के लिए कार वालों के लिए बनाए गए हैं, और बाकी तो हम बेचारे तो आज आम रोड से जाएंगे। और जैसे ही हम पहुँचते हैं एक जमी हुई लेक के पास, यहाँ लोग अब मस्ती करते हुए, और देख सकते हैं स्कीइंग हो रही है। इसी के साथ हम पहुँच गए हैं हाटू पीक, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है, ज़रूर आइए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ की लश ग्रीन सीनरी यहाँ से दिखती है कि, और कितना सुंदर ये नज़ारे हैं। तो जब तक ये लोग यहाँ वहाँ का नज़ारा लेते हुए, मैं इन पहाड़ों से बात कर लेता हूँ, और मुझे ये सामने बहुत ही सुंदर दृश्य दिखते हुए, मैं इन पेड़ों से और पहाड़ों से बात करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहा था यहाँ पे, और उतने में ये मंदिर जाके आ गए हैं, और वापसी पे हम भी रील्स बनाने के लिए ज़रूर वहाँ जाएंगे। तब तक के लिए हम यहाँ सुकून से अपने अच्छे बुरे वक्त के बारे में सोच रहे हैं, साथ में वहाँ देखिए शक्तिमान वापस आ गए हैं, देखते हैं इसके बाद हम क्या ही करेंगे। इसके बाद हम सोच रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रैक है वो कर लें, लेकिन वक्त की कमी के साथ हमें सब चीज़ों को देखते हुए वापस या तो यहाँ पे सो जाना पड़ेगा या वापस चल जाना पड़ेगा। ये देखिए हमारे शक्तिमान यहाँ से उड़ने की कोशिश में है, लेकिन इनको पता नहीं यहाँ बहुत गहराई है तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया यहाँ से उड़ना, और हम पहुँच के वापसी में वही उसी जगह इस लेक को छोड़ के गए थे, वही लेक है ये। ये लेक नहीं है, बहुत बड़ा समुंदर है जो जम चुका है बर्फ़ के कारण, बर्फ़ नहीं है ठंड के कारण, ठंड के कारण, और यहाँ लोग ऐसे ही बहुत बहुत बड़े बड़े समुंदर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड में ये इसमें पानी डालने से ये जम जाते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। ये देखिए सामने हट्स हैं, और हम थोड़ा फ्लेक्स कर रहे हैं अपने इंस्टा रील्स के लिए। इंस्टा रील्स के लिए मुझे फॉलो करिए ड्वेलर ऑफ द टफ टेरेन्स के हैंडल से इंस्टा अकाउंट है, और ये देखिए हम फिर से वही चीज़ करते हुए। ये सामने देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छी जगह है ये। वो देखिए मैं थोड़ा रोनाल्डो की तरफ
सू करता हुआ, और ना यहाँ मेरा सू तो नहीं हुआ लेकिन फू हो चुका है। और ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, यहाँ पेड़ पौधे और छोटे छोटी घास, और हमारे छोटे भाई भी यहाँ पे थोड़ा इंस्टा रील्स के लिए अपने कंटेंट ढूंढते हुए, लेकिन वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है और व्यूज़ के लिए ये देख रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ व्यू इसमें। आई भी इसके साथ हम वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं अब, और इसी रोड पे हम आए थे। और ये देखिए कितना, यही कमी बता रहा था मैं, यही छोटा सा रोड है और ये हमें ले जाता है वापस नारकंडा की तरफ, वहाँ से हम शिमला की तरफ कूच करेंगे। और ये रोड्स के साथ हम चलते हैं, नेक्सॉन का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने भाई से। और चलिए, देख सकते हैं हार्ट टू पीक का रास्ता, सिंगल नहीं आधा रास्ता इसे खच्चर रोड करार दिया गया है। यहाँ हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनकी हाउल हो चुकी है। या राइट राइट समझा तो मैं भी नहीं इस रास्ते का क्या सलीका और तरीका है। ये आधा रास्ता जो खच्चर रोड करार दिया गया है, नारकंडा से ऊपर की तरफ आता है, और हमारे छपरी उस्ताद जो है, डोंट से छपरी अगेन, छपरी उस्ताद के पास ऐसी स्किल है कि आप एक हवा में टायर और दूसरा रोड पे, और रास्ता भी नहीं है ज्यादा, उछल नहीं सकते हैं इस पे। अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाती है तो फिर आप समझो कि 2 घंटे के लिए आप यही हैं। फन और थ्रिल तो बराबर है, जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं ना, ये फन और थ्रिल तो खेड़ी भाई जी, खेड़ी खेड़ी, वो तो पूछिए मत। अब ये ब्लॉगिंग के साथ ब्लॉगिंग भी करने लग पड़े। हम मेंशन करेंगे वी और बी को, बराबर आपको समझाएंगे कि ब्लॉगिंग क्या होता है और ब्लॉगिंग क्या होता है, ठीक है? बाकी टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट का फर्स्ट ट्रायल आपको कैसा लगा ये आप बताएंगे। इधर बहुत ही उम्दा लगा, अच्छा, मतलब ठीक पावर है इसमें। ये हमें हाटू में आके पता लगा, क्योंकि जैसे हाटू में हमारा वैसा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रोड है ना, एक टायर पे, जो हमारे बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि एक टायर पे चलना पड़ता है, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जो बात सब क्योंकि बहुत हो गया। सो गाइस, ये सच में बहुत ही टफ रोड है, थोड़ा बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ हम इसको पीछे छोड़ते हुए पहुंच गए एक बहुत ही सुंदर लेक पे, और ये बहुत ही बढ़िया लेक है, यहाँ नियर बाई है, यह हाटू पीक से थोड़ा ही 4-5 किलोमीटर आगे है, जिसका नाम टानी जुब्बर लेक है। और यहाँ आप ज़रूर आइए, और यहाँ हम थोड़ा फ्लेक्स कर लेते हैं तब तक, और थोड़ा इंस्टा रील्स के लिए हम और कंटेंट क्रिएट करते हैं, और इसी झील का नज़ारा लेते हैं। गाड़ी को लगाते हैं साइड में और उतर के बनते हैं थोड़ी देर जादू, और जादू बन के हम अपने दोस्त शक्तिमान के साथ अपना वीडियो शूट करते हैं। और यहाँ देखिए कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही मजेस्टिक व्यू है, और देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर पेड़ों के बीच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेक है। और यहाँ का चारों तरफ का अतराफ का जायज़ा लेते हुए हम थोड़े हिलते डुलते, और यहाँ सच में बहुत ही अच्छी वाइब आती है। आप ज़रूर जाइए एक बार यहाँ हाटू पीक, सब नारकंडा से अंदर आके सीधे हाटू पीक जाइए, फिर उसके बाद यहाँ लेक पे आइए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये व्यू है, और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें थोड़ा लेट हो रहा है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर कभी मिलेंगे। और यहाँ के सिड्डू ज़रूर खाइए। पहुँच गए हम एकदम से न्यू ढली टनल में। गाइस, इसी के साथ हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस।